हेलो एवरीवन, आई एम मीना शर्मा अगेन विद यू विद द पार्ट टू ऑफ चैप्टर टू लॉस्ट स्प्रिंग ऑफ क्लास ट्वेल्थ फ्लेमिंगो बुक इंग्लिश। आई वांट टू ड्राइव अ कार। मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता था। मीन्स उसकी बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि वो अपना खुद का मास्टर बने, मीन्स वो स्वयं का कुछ काम करे। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा कभी। ही अनाउंसेस, उसने ये अनाउंस किया। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, मैंने पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार को ड्राइव करना सीख लूँगा। ही आंसर्स, उसने उत्तर दिया। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, बिल्कुल मेरी आंखों में देखते हुए। Means it shows his confidence too. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his own Firozabad, famous for its bangles. His dream looms like a mirage. उसका जो ये सपना था वो ऐसे लगता था जैसे कि मिराज होते रेगिस्तान में, कोई इलस्ट्रेशन होना, भ्रम होना किसी पानी का, उस तरह से उस मिराज की तरह लगता था, उस कस्तूरी मृग की तरह, कि वो सोचता था कि खुशबू कहाँ से, उसकी कस्तूरी मृग जो कि उसकी अपनी नाभि में थी उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, कि उसका सपना भी इसी तरह से एक मिराज की तरह ही लग रहा था। उसकी वो गलियाँ जो धूल से भरी हुई थी, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, वो गलियाँ धूल से भरी थी, जो उसके फिरोजाबाद की गलियाँ उस धूल से भरी हुई थी, उन सब गलियों के बीच उसका सपना एक मिराज की तरह लग रहा था। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद जो कि अपनी बैंगल्स मेकिंग के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है। इवन एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने के काम में बिजी है। मीन्स वो एंगेज हैं इसी तरह के काम में कि हर दूसरा घर वहाँ पर चूड़ी बनाता है, चूड़ी बनाने का काम करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भारत की एक ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, शीशे के काम करने वाले उद्योग के लिए का एक केंद्र है फिरोजाबाद। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन्स वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, जहाँ पर ऐसे परिवार हैं जिनकी कई पीढ़ियाँ लगातार, फर्नेसेज मीन्स भट्टी के आसपास, जिन्होंने कई पीढ़ियाँ बिताई हैं भट्टी के आसपास, वेल्डिंग ग्लासेस, ग्लासेस को मोल्ड करने में, मेकिंग बैंगल्स और उनसे चूड़ियाँ बनाने में। फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, कि सारी सारी औरतें शायद इसी तरह का, फॉर द ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, जैसा लगता है कि ज़मीन पर जितनी भी औरतें हैं सारी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाने का काम जैसे पीढ़ियों से यही इन्हीं की, इसी फिरोजाबाद की फैमिलीज में होता रहा हूँ। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता, दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता, दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, ऐसे बच्चों के लिए गैर कानूनी है टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, कि उन शीशे की भट्टियों में काम करना, उन शीशे के बीच में विद हाई टेम्परेचर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, इन डिंजी सेल्स मीन छोटी छोटी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर कोई हवा नहीं होती, रोशनी नहीं होती, दैट द लॉ, और वो कानून, इफ़ एनफोर्स्ड, अगर उसको फोर्स किया जाए, लागू किया जाए, कुड गेट हिम, तो वो उसको शायद ले सकते थे। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, और वो लगभग 20,000 बच्चे आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उन गर्म भट्टियों से दूर, वेयर दे स्लॉग दिया डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वो अपने दिन के सारे घंटे बिता देते हैं, काम में लगे भूल जाते हैं, बिता देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और कई बार तो उनकी आँखों की रोशनी भी इनसे ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है। मुकेश आइज बीम एज यू वॉलंटियर टू टेक मी होम, मुकेश की आँखें एकदम से बीम इन चमक आ गई उसकी आँखों में, एज यू वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, क्योंकि वही एक वॉलंटियर था, वही चाहता था कि टू टेक मी होम, जो मुझे घर ले गया था, विच ही प्राउडली सेज इज बिंग रीबिल्ट, जो उसने बड़े गर्व से कहा कि वो अब दोबारा बन रहा है, दोबारा उस घर को बनाया जा रहा है।
वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम गंदी सी गलियों से होते हुए, चॉक्ड विद गार्बेज, ऐसी गलियों से होते हुए गुजरे जहाँ से बदबू आ रही थी, जो कूड़े से भरी हुई थी, पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और ऐसे घरों के पास से गुजरे जो कि बिल्कुल टूटने ही वाले थे, वॉबली डोर्स, हिलते हुए दरवाजे, नो विंडोज, कोई खिड़कियाँ नहीं थी, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और जो भरे हुए थे ऐसे परिवारों से और एनिमल जानवरों से, को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमेवल स्टेट, जो एक साथ ही एक ही जगह पर रहते थे। ही स्टॉप्स, वो रुका एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, इसी तरह के घर के सामने वो रुका, बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर, और लोहे के जो हिलता हुआ जो दरवाजा था उसको उन्होंने बैंग किया, खटखटाया विद हिज फुट अपने पैरों से, एंड पुशेस इट ओपन, और इसको धक्का मारकर खींचकर खोल दिया। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम एक आधे से बने हुए गुफा टाइप घर में घुसे, इन वन पार्ट ऑफिस के एक हिस्से में, थेस्ट विद डेड ग्रास, जो सूखी हुई घास थी वो भरी हुई थी, इट इज़ अ फायर वुड स्टोव ओवर विच, और एक आग से जलने वाला जो है स्टोव था वहाँ पे, जो लकड़ी से जलने वाला स्टोव था, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पाइनक लिव्स, और उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा था जिसमें स्पाइनक पालक के पत्ते जो हैं वो सीजलिंग कर रहे थे, उबल रहे थे। ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर, इन अ लार्ज अल्मीनियम प्लेटर, एक लार्ज बड़ी सी अल्मीनियम की प्लेट्स थी, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और भी बहुत सारी कटी हुई वेजिटेबल्स थी, कटी हुई वेजिटेबल्स वहाँ हैं, पड़ी हैं। अ फ्रेल यंग वुमन, एक फ्रेल सी अच्छी सुंदर सी दिखने वाली एक औरत वहाँ पर आई, इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, जो खाना बना रही थी, बना रही है पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आँखों में धुआं भरा हुआ तब भी वो मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ, वो पत्नी है ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, सालों में तो इतनी बड़ी नहीं है, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो साल उम्र में तो इतनी बड़ी नहीं लगती है, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, उस एक बहू के रूप में जो भी कमांड उसे मिलती है वो उसको पूरा करना उसने सीखा है, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, जो इंचार्ज हैं वो थ्री मैन हैं यहाँ के, हर हस्बैंड, उसके पति मुकेश और डियर फादर उनके पिता। वेमेन द ओल्डर, वेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब कोई ओल्डर मैन बूढ़ा आदमी या बड़ा आदमी अंदर आता है, शी जेंटली विड्रोज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने घूंघट को अपने चेहरे पास ले आती है, एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि ये रीति रिवाज है, डॉटर्स लॉ मस्ट वेल दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो घर के बुजुर्ग बड़े पुरुष हैं उनके सामने महिला जो बहुएं हैं उनको अपने चेहरे घूंघट से ढकने होते हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, और इस केस में जो एल्डर है वो बड़ा है वो एक इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर है, वो मीन्स काफ़ी उसको अच्छे से आता है, स्किल्ड बैंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाला है, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, काफ़ी सालों तक ज़्यादा मेहनत करने के बाद, फर्स्ट एज अ टेलर, एक पहले एक दर्जी के रूप में, देन बैंगल मेकर, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, ही हैज़ फेल टू रेनोवेट अ हाउस, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो फेल हो गया, मीन्स वो नहीं कर पाया टू रेनोवेट अ हाउस, अपने घर की मरम्मत नहीं करवा पाया, सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, अपने दो बच्चों को, बेटों को स्कूल नहीं भेज पाया, ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू, वो सिर्फ यही कर पाया, इज़ टू टीच दैम वट ही नोज, कि वो जो वो जानता था वो उसने सिखा दिया है उन्हें, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। इट इज़ हिज कर्म, इट इज़ हिज कर्म, ये तो हमारा भाग्य है, इज डेस्टिनी, भाग्य है, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश दादी कहती है, हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिसने अपने खुद के हस्बैंड को देखा है गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, शीशे की चूड़ियों पर पॉलिश करते हुए उसकी धूल से अंधा होते हुए जिसने देखा है, वो ग्रैंड मदर कहती है मुकेश की कि ये तो हमारा भाग्य है, कर्म है। कैन अ गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन, क्या जो भगवान ने हमें लाइन दी है, मीन जो काम भगवान ने हमें दिया है, एवर बी ब्रोकन, क्या वो तोड़ा जा सकता है कभी। शी इम्प्लाइज, और वो कहती है, वो इस पर जोर भी देती है इस बात पर, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स की, एक चूड़ी बनाने वाले की जाति में पैदा होकर, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स,
उन्होंने कुछ नहीं देखा है बेंगल्स के अलावा, इन द हाउस घर में, इन द यार्ड आंगन में, इन एवरी अदर हाउस हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में, स्पायरल्स ऑफ बेंगल, बेंगल के जो गोल घुमाऊँ हैं वे सनी गोल्डन गोल मीन्स चमकते हुए सोने की तरह, पैडी ग्रीन हरे रंग की, रॉयल ब्लू शाही ब्लू कलर की, पिंक गुलाबी पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष के सातों कलर में से जितने भी कलर बन सकते हैं हर कलर की उसने सिर्फ चूड़ियाँ ही देखी हैं, क्योंकि उनका जन्म ही एक चूड़ी बनाने वाले के फैमिली में हुआ है, कास्ट में हुआ है। लाए इन द माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, ऐसे आंगनों में भरी पड़ी हैं जो अनकैम्प्ड मीन जो ठीक नहीं है, मीन जिनकी मरम्मत भी नहीं हुई है, ऐसे आंगन में भरे पड़े हैं ढेर माउंट्स भरे पड़े हैं चूड़ियों के, आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड क्राफ्ट्स हैंड कार्ट्स, जो हाथ से चलाई जाने वाली कार्ट्स गाड़ियाँ हैं, लारी मीन्स आप इसको बोल सकते हैं कि लारी जो चार पहिए वाली लारी हैं उनके ऊपर भी चूड़ियों के ढेर उन्होंने देखे, पुश्ड बाय यंग मैन जिनको जो है युवक खींचते हैं, अलोंग द नैरो लेन्स उन भीड़ी गलियों से ऑफ द शैंटी टाउन्स इस शहर के, एंड इन द डार्क हटमेंट्स और इन अंधेरे झोपड़ियों भरे, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और जो दिए जल रहे हैं फ्लिकरिंग जो फड़फड़ा रहे हैं उनके पास में लाइन में बैठे हुए सीट बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां जब बैठते हैं उनके पास, विद नियर फादर्स एंड मदर अपने पापा और मम्मी के साथ, वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास जो रंग बिरंगी शीशे की जो चूड़ियाँ हैं, इन टू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स बेंगल के सर्कल में उनको क्या करते हैं कलर करते हैं वेल्ड करते हुए उनके पास बैठते हैं वे, देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें उस अंधेरे पर ज़्यादा एडजस्ट हो गई हैं मीन्स ध्यान देने लगी हैं देन टू द लाइट आउटसाइड बाहर की रोशनी के मुकाबले, दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, और यही कारण है कि वो अपनी आई साइट बहुत जल्दी खो देते हैं जब वो अडल्ट मीन्स बड़े होने से पहले ही वो अपनी आई साइट खो देते हैं, उनकी आंखों की रोशनी खो देते हैं। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, एक ड्रैप पिंक फीके पिंक कलर के ड्रेस में सविता नाम की एक जवान लड़की आती है, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, एक बूढ़ी औरत के पास आकर बैठती है, सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास और शीशे के उन टुकड़ों को जोड़ती है, सोल्डर करती है मीन्स उनमें टाँका लगाती है, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, क्योंकि उसके हाथ जो हैं वो बड़े ही मैकेनिकली मीन्स मशीन की तरह चलते हैं, लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे कि मशीन के टाँके चलते हैं वैसे ही उसके हाथ चलते हैं, आई वॉन्डर मुझे हैरानी है, इफ़ शी नोज क्या वो जानती है द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स कि उस चूड़ियों की पवित्रता को, शी हेल्प्स मेक जिनको बनाने में वो हेल्प कर रही है, sanctity means उसकी holiness को, उसकी पवित्रता को, चूड़ियों की पवित्रता को, it symbolizes an Indian woman's सुहाग, एक भारतीय औरत के सुहाग की को यह प्रतीक करती हैं, निशानी है उसकी, auspiciousness पवित्रता in marriage और शादी में इसकी कितनी पवित्रता है, it will dawn on her suddenly अचानक से वो इसे मीन्स जान पाएगी, पहचान लेगी, वन डे एक दिन, वैन हर हैड जब उसके हेड पर इज ड्रैप्ड विद अ रेड बेल जब उसके सिर पर भी एक लाल रंग की चुन्नी होगी, एक घूंघट होगा, हर हैंड्स डाइड रेड उसके हाथ भी लाल रंग से रंगे जाएंगे, विद हीना यानी मेहंदी से, एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिसोर्ट की कलाइयों पर लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी, शी विल देन बिकम अ ब्राइड तब वो एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमेन उस बूढ़ी औरत की तरह, बिसाइड हर जो उसके पास बैठी है, हु बिकेम वन मैन ईयर्स अगो जो एक दुल्हन बनी थी मीन्स उसके जैसी एक बनी थी कई साल पहले, सी स्टिल हैज़ बेंगल्स अब भी उसके हाथों में बेंगल्स हैं, ऑन हर रेस्ट उसकी कलाइयों पर, बट नो लाइट इन हर आइज लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया मीन्स एक टाइम पर वो पूरा खाना नहीं खा पाते, मीन्स दे कैन नॉट फिल दियर स्टमक एट वन टाइम, शी सेज उसने वो कहती है इन अ वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय मीन्स ऐसी आवाज़ में, उदासी भरी आवाज़ में जिसमें कोई खुशी नहीं है, शी हैज़ नॉट enjoyed इवन वन फुल मील इन हर entire लाइफ टाइम उसने अपने पूरे जीवन में एक समय का पेट भर का खाना enjoy नहीं किया है, दैट्स वॉट यही है शी हैज़ रिप्ड जो कुछ उसने रेप किया है कमाया है, हर हस्बैंड अपने पति उसका पति एंड ओल्ड वुमेन एक ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड एक बड़ी हुई दाढ़ी के साथ कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता, ऑल हाई हैव डन
जो कुछ मैंने किया है इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने घर बनाया है फैमिली के लिए जिसमें वो रह सकें। हियरिंग हिम, उनको सुनकर वन वंडर्स, कोई भी आश्चर्यचकित होगा, हैरान होगा। इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि उसने वो अचीव कर लिया है जो बहुत सारे लोग अचीव नहीं कर पाते अपने लाइफ टाइम में। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पर छत है। दे क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। दे क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, वो रोते हैं चिल्लाते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कि इस स्टूडियो बनाने के बिजनेस को शुरू करने के अलावा, चालू रखने के अलावा उनके पास कुछ भी करने के लिए पैसे नहीं हैं। नॉट इवन इनफ टू इट, और खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में वो रिंग्स हैं, वो गोल छल्ले हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, वो व्यक्ति भी अपने जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हीं की गूंज को लेमेंट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है उन्हीं को। लिटल हैज़ मूड विद टाइम, कुछ समय के साथ ख़त्म हो गया, इट सीम्स, जैसा दिखता है इन फिरोजाबाद, समय फिरोजाबाद में से लगता है कि समय के साथ कुछ ख़त्म भी हुआ है कुछ चीज़ें। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग, कि सालों से दिमाग जो है सुन पड़ गया है इस मेहनत से, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, सारी जो इनिशिएटिव्स हैं, मीन्स कोशिश करने की जो भी इरादे हैं, एंड एट द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने देखने की जो क्वालिटी है वो सारी सारी जो क्या है, ख़त्म हो गई है। Why not organize us yourselves into a cooperative? I ask a group of men. मैंने आदमियों के एक ग्रुप से पूछा कि why not organize yourselves into a cooperative? आप अपने आप को एक cooperative सहायक के रूप में क्यों नहीं organize करते? Who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers? ऐसे ग्रुप के आदमियों से मैंने पूछा, हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल, कि वो उस भयानक सर्कल में फंस गए हैं जिन्होंने, ऑफ मिडल मैन, उस मध्यम वर्गीय के, हु ट्रैप नियर फादर्स एंड फोर फादर्स, उस सर्कल में जिनको, जिस सर्कल को उनके फादर्स और फोर फादर्स भी जिसमें फंसे हुए थे, उन्होंने अपने आप को भी उसी सर्कल में फंसा लिया है। मैंने उस ग्रुप के लोगों से क्वेश्चनिंग की कि क्यों नहीं वो अपने आप को एक कोऑपरेटिव में चेंज कर लेते, एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते अपने लिए। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पीपल, हम वही, बाय द पुलिस, हम वही होंगे वो जिनको पुलिस जो है हुड़क देगी, झड़क देगी, बीटन, और हमें पिटाई होगी, हमें पीटेगी, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कुछ गैर कानूनी करने के लिए हमें जेल में भी भेज देगी, दे से वे कहते हैं। There is no leader among them. उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं था। No one who could help them see things differently. कोई भी उनमें से एक नहीं था जो चीज़ों को अलग से देख पाता। Their father are as tired as they are. उनके फादर भी उतने ही टायर्ड थे जितने कि वे हैं। They talk endlessly in a spiral. वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बात कर सकते हैं ग्रुप में। That moves from poverty to apathy. एक ऐसे घेरे में जहाँ गरीबी से लेकर दुख तक, ग्रीड से लेकर, लालच से लेकर, इनजस्टिस तक, अन्याय तक की बातें हो सकती हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उनको सुनना ऐसा लगा कि जैसे दो दुनियाओं के बारे में, दो वर्ल्ड्स को मैं देखती हूँ। वन, दो अलग अलग दुनियाएं मुझे दिखाई देती हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसे परिवार की दुनिया जो कि गरीबी में फंसे हुए हैं, बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो एक अपनी जाति के कलंक के बोझ से दबे हुए हैं। इन विच दे आर बोर्न, जिसमें उनका जन्म हुआ है। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, और दूसरा है वो भयानक सर्कल जो साहूकार से भरा हुआ है। द मिडल मैन, मध्यम वर्गीय, द पुलिस मैन, कीपर्स ऑफ ला, ला रखने वाले, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन से भरा हुआ है दूसरा वर्ल्ड। इस तरह से वो फंसे हुए हैं दो दुनियाओं के बीच। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज, और वो सब मिलकर क्या करते हैं, इम्पोज कर देते हैं उस अपने उस भार को ऑन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो नीचे नहीं गिरा सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर, वो इससे जान पाए, उससे पहले ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है जैसे कि उनके फादर ने उनको, जैसे कि उनके फादर ने एक्सेप्ट किया था, वैसे ही वो भी उस काम को, उस बोझ को एक्सेप्ट कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ दूसरा करना का मतलब है कि किसी चीज़ को चुनौती देना है, किसी चीज़ के लिए हिम्मत दिखाना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और इस तरह से डेयर करना, उसके
बढ़ते हुए रहने का एक हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered। जब मैं इस तरह की एक झलक देखती हूँ मुकेश के अंदर, I am cheered, मैं खुश होती हूँ। I want to be इन मुकेश, आई एम चेयर, मैं खुश होती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो फिर से कहता है। ही विल गो टू अ गैरेज, वो एक गैरेज में जाएगा एंड लर्न सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो और जिद करता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना रखते हो। ही सडनली साइलेंट, वो अचानक से चुप हो जाता है। नो ही सेज, वो कहता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, नीचे जमीन पर देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर, वो अपनी थोड़ी सी बड़बड़ाहट में, फुसफुसाहट में। देर इज एन एम्बेरसमेंट, उसके अंदर एक शर्म है। दैट हैज़ नॉट यट टर्न इंटू रिग्रेट, जो अब वो एक शर्म है, वो अब एक पछतावे में जो भी नहीं बदली है, वो चीज़ अब उसके मर्मरिंग में है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो अपने कार के सपने से ही काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट है। दैट ही सीज़, जो उसे देखता है। हॉटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ द ऑफिस टाउन, जब उसके शहर में उसकी गलियों से वो गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो उस सपने को देख कर ही वो संतुष्ट हैं। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में कुछ उड़ान ही जो हैं जो उड़ते हैं। सो क्लास हियर योर Part 2 of Chapter 2 is completed. Watch the video carefully. Like, share, comment and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.